जिला प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी नहीं रुक रहा अवैध बालू उठाव। पूरे शहर में रात होते ही ट्रैक्टर बालू का उठाव कर सड़कों पर बेलगाम दौड़ने लगती है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गोड्डा के शिवपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे बेखौफ होकर बालू का उठाव और ढुलाई किया जा रहा है। गोड्डा के घंटा मोहल्ले में मोहल्ले वासियों ने मोहल्ले के ही दो चोरों को चोरी के बाद रंगे हाथों पकड़ा और जमकर पिटाई की। संवाददाता से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से दोनों चोर जो कि बाप और बेटा हैं पूरे मोहल्ले में चोरी की वारदात को अंजाम देते आ रहे थे। दैनिक जागरण के द्वारा जिला मुख्यालय में विभिन्न जगहों पर कोविड-19 की वजह से हुए जिले में असामयिक मौत के कारण लोगों की यादगार में आयोजित श्रृंखलाबद्ध पौधारोपण अभियान ऑक्सीजन है वरदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेड क्रॉस वैक्सीनेशन वॉलेंटियर सर्विस के 2 महीने पूरे हुए। शहरी क्षेत्र के विभिन्न टीकाकरण केंद्र में हेल्पिंग हैंड के तौर पर अपनी वॉलेंटियरी सर्विस देते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की गोड्डा शाखा के रविवार को 2 महीने पूरे हुए। उक्त आशय की जानकारी देते हुए सोसाइटी के सचिव सुरजीत झा ने बताया कि राजभवन रांची से प्रशस्ति पत्र के आलोक में उपायुक्त सह अध्यक्ष रेड क्रॉस गोड्डा भोर सिंह यादव की एक अपील पर अनुमंडल पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष रेड क्रॉस गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में स्वयं सेवा के इन 2 महीने के दौरान रेड क्रॉस स्वैच्छिक सेवादारों के द्वारा न सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर पर हेल्प डेस्क लगाए गए बल्कि विभिन्न वार्ड में घर घर जाकर टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा आज संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ जिले के विभिन्न प्रखंडों के चौक चौराहों पर सघन मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया एवं वैसे वाहन चालकों को दंडित किया गया जिन्होंने मास्क हेलमेट नहीं पहना था। बड़ियाहाट में रविवार को थाना क्षेत्र के हरियारी गांव निवासी धनंजय मंडल 45 वर्षीय एवं उनके पुत्र वासुदेव कुमार मंडल 22 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर बांका जेल भेज दिया है। इस संबंध में बताया जाता है कि बांका थाना में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 4 पहिया वाहन चोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद बिहार बांका पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की खोजबीन तेज कर दी। पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली कि वाहन पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में, जिसके बाद बिहार पुलिस रविवार को पोड़ैयाहाट थाना पहुंचकर चोरी के अभियुक्त को थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार की। गोमिया में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रविवार को IEL थाना, गोमिया थाना एवं ललपनिया थाना परिसर में निवर्तमान प्रमुख गुलाब चंद हांसदा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। आज दिनांक 18/7/2021 को आयल थाना परिसर में शांति समिति का बकरीद के अवसर पर किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर गोमिया शामिल हुए, जिसमें बकरीद को शांति और सौहार्द से मनाने का लोगों को समझाने और सौहार्द बनाए रखने के। प्रखंड अंतर्गत सलैया पंचायत के भाजपा के पंचायत प्रभारी जनार्दन सिंह सलैया गांव निवासी का निधन शनिवार सुबह हो गया। वहीं भाजपा के पंचायत प्रभारी के हुए निधन पर समर्थकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ की जनता को हम बचा सके और यहाँ की आर्थिक प्रगति को हम कैसे ले जाएंगे, आप ये सोच सकते हैं कि बड़े बड़े देश जो शिक्षित थे, जो धनी थे, जो विकसित देश थे, हम तो विकासशील देश हैं। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।